एक हम लोग एक एरिया मिलता है एरिया, तो उस एरिया में जाके हम लोग को डिजाइन करना है। तो एज ए इंजीनियर हम लोग पहले जाके क्या देखेंगे, मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट लेंगे ना। तो आपको तो पता है कि मेजरमेंट में जाहिर सी बात है कि मेजरमेंट में हमेशा रेक्टेंगुलर नहीं मिलता है, कहीं कहीं अपने को बहुत से टाइप मिलता है, पेंटागोनल मिलता है, ट्रायंगल मिलता है, ठीक है ना, ये तो रेक्टेंगुलर मिलता है। ये तीन चार टाइप का होता है एरिया, ये हेक्सागोनल मिलता है, मतलब चारों तरफ से आपका मतलब कम रहेगा, कम से कम 6-7 उसमें एंगल रहेगा, ठीक है ना। तो उस टाइप में अगर हम लोग को मतलब अगर मिलता है, सपोज दैट रेक्टेंगुलर है, अगर रेक्टेंगुलर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल निकालते सबके लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक है ना, डायगोनल निकालते। तो डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहला होता है क्या, पहले हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेंगे ना, तो मेजरमेंट लेंगे लेंथ विड्थ, हम लोग स्क्वायर में निकालेंगे ना, तो लेंथ विड्थ लेंगे। तो जो भी अगर हम लेंथ विड्थ लेते हैं, सपोज दैट हम लोग ये बोर्ड है, हम लोग ये एरिया है, तो इसका हम तब लेंथ ले लिए, विड्थ ले लिए, ले लिए। तो अगर हम लेंथ विड्थ लेने के बाद हम लोग इसका डायगोनल निकालेंगे, पहले ऑटोकैड बनाने से पहले डायगोनल निकालते हैं। क्या डायगोनल में अगर ये 90 डिग्री पे दिख गया तो जो भी हम लोग प्लान करेंगे वो क्या होगा, आपका सक्सेस होगा, टोटल प्लान सक्सेस होगा। मतलब उसको मतलब हिंदी में देखा जाए तो वो गुनिया में होगा, पर गुनिया नहीं होगा। जैसे कभी भी घर बनता है ना तो गुनिया में बनता है, और जो गुनिया में बनता है ना तो हमेशा क्या होता है, वो स्ट्रक्चर बेंड रहेगा, जिधर जाके गुनिया जैसे गिराइएगा गुनिया उधर वो बेंड रहेगा हल्का, जब बेंड रहेगा तो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा देखने से, उसका फ्रंट व्यू खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम निकालते हैं। तो फर्स्ट इसके मार्कर नहीं है क्या, देखिए बताते हैं आपको कैसे काम करना है, खास करके ध्यान रखिएगा, और लगेगा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डायगोनल निकालेंगे ना, जैसे कि हम लोग ये एल हो गया, ठीक है ना, ये हमारा विड्थ हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे ना तो कहीं कहीं हम लोग क्या हो गया, फिर फिलहाल सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये हमारा 90 डिग्री, हमेशा इसको चेक करना है कि 90 डिग्री, उससे बड़ा है ले लिए 3 मीटर, ठीक है ना, और जो विड्थ ले लिए हम लोग 4 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ऑटोकैड का, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट प्लान बनाने से पहले प्लान हम लोग एरिया, हम लोग सपोज दैट ऐसे एरिया ले लिए, ठीक है ना, एरिया लेने के बाद सपोज दैट ये एरिया ले लिए, तो एरिया का हम लोग डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे तो अगर ये 90 डिग्री पे मिल गया तो टोटल कोण क्या मिलेगा हमारा, 90 डिग्री मिलेगा, टोटल हमारा कोण 90 डिग्री मिलेगा। अगर ये 90 डिग्री पे नहीं मिल रहा है, कोई भी कोण आपका 90 डिग्री पे नहीं मिलेगा, ये अपना ध्यान रख लेना। तो इसका पाइथागोरस डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का, ठीक है ना, निकालना फॉर्मूला निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम लोग ए मानते हैं तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं एबीसीडी में, ठीक है ना, ये निकालना है अपने को। तो इसका फॉर्मूला में हम इसको डालेंगे, इसको फॉर्मूला में डालेंगे ना तो इसका 5 मीटर आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 3 मीटर ही ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप कितने मीटर ले सकते हैं, आप चाहिएगा ना पूरा प्रोजेक्ट का आप उसका लेंथ ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोजेक्ट का आपका विड्थ ले सकते हैं, और उसको डायगोनल में बैठाइएगा तो पूरा प्रोजेक्ट का डायगोनल मिलना चाहिए, एक बार में पूरा निकाल सकते हैं, मगर आपको सिर्फ 100% खाली कोण बताया हूँ निकाल देगा, ठीक है ना। तो अगर ये 5 मीटर मिल गया इस पॉइंट से, इस पॉइंट में 5 मीटर मिल गया तो ये अपना प्रोजेक्ट सही चलेगा, ठीक है ना, ऑटोकैड में नहीं है, साइड में भी सही चलेगा, सिर्फ ऑटोकैड में नहीं, ऑटोकैड में तो इसको प्लान डेवलप करना किया जाता है, जिसमें सब बताएंगे आपको, वो करने के बाद अगर वो प्लान डेवलप कीजिएगा, अगर वो 90 डिग्री में जाएगा ना तो आप उसका प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये आप डायगोनल भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये आपको यहाँ नहीं, आपको मतलब जब तक आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कीजिएगा, ये डिजाइन वर्क कीजिएगा, तब से लेकर अभी तक आपको यही फॉर्मूला का चलना पड़ेगा, यही फॉर्मूला का चलना पड़ेगा, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका।